अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम आपके साथ रेस्टोरेंट की और ढाबे की एक ख़ास रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो है फ़िश करी की, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसे राइस के साथ सर्व करें और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। हमने फ़िश ली है, आपको जो फ़िश पसंद है वो ले लें। जैसे आपको रोहू फ़िश पसंद है तो वो ले लें, या जो भी आपको अच्छी लगती है वो फ़िश ले लें। इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक हसबे ज़ायका ऐड कर दें और मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दें। और इसके साथ ही हमने आलू लिए हैं, जिसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। 5 से 6 आलू ले लें, दरमियानी साइज़ के। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें हमने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन के जवे लिए हैं, और इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दी हैं, और 2 टेबल स्पून इसमें राई ऐड कर देंगे। राई बहुत ज़्यादा ऐड ना करें वरना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो 2 टेबल स्पून ही आपको इस्तेमाल करना है। इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इस मसाले को बहुत बारीक पीस लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि मसाला बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। अब हम फ्राई पैन में राई का तेल ऐड कर देंगे, और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम फिश फ्राई करेंगे। हमने जो फ़िश इस्तेमाल की है वो रावस फ़िश है। आप चाहें तो इसमें रोहू फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो। तो इस तरह से इसे फ्राई कर लें दोनों तरफ से। फ़िश को दोनों तरफ से हल्की हल्की ब्राउन हो जाना चाहिए, तब तक फ्राई करना है। जब फ़िश दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए तब हम इसे निकाल देंगे। इसी तरह हमने सारी फ़िश फ्राई कर ली है। ये देखें दोनों तरफ से लाइट ब्राउन हो गई है फिश, तो हमने निकाल दिया है। अब इसी तेल में हमको आलू को फ्राई करना है। आलू को भी दोनों तरफ से जब लाइट ब्राउन हो जाए तो निकाल देना है। हमने आलू को भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसी तेल में हमने ग्रेवी बनानी है। उसी तेल को हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है, और इसे अब हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। और जैसे ही तेल गरम हो जाए तो इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने 3 से 4 तेज़पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून मेथी दाना लिया है। इसका तड़का लगा दें, और जब मेथी दाना ब्राउन हो जाए और ज़ीरा और राई तड़क जाए तो इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 7 से 8 आप लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दें। ये फ़िश करी थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है, तो अगर आप थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन ऐड कर रहे हैं। अब हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दें कटी हुई लंबाई में, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि जो प्याज है वो हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाए। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि जो प्याज है वो जले नहीं। अब जो प्याज है वो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था, अदरक लहसुन राई ज़ीरा काली मिर्च का, तो इसे ऐड कर दें, और इसे अब अच्छी तरह से भूनना है हमें। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। जिस ग्राइंडर में हमने मसाला पीसा था हमने उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, और इसे ऐड कर दिया है इसमें।
अब हमने इसमें दो टमाटर ऐड कर दिए थे मीडियम साइज़ के, और इसी के साथ ही हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप कम मिर्ची इस्तेमाल करें और इसे अच्छे से भूनें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इस मसाले को भूनना है हमें, क्योंकि अगर मसाला अच्छी तरह से नहीं भुनेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा करी का। इसमें हमने नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड किया करें। हल्दी ऐड कर दें 1 टेबल स्पून, और इसी तरह पानी ऐड करते हुए मसाले को भूनते रहना है कम से कम 10 मिनट तक के मीडियम आंच पे। मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके थे, और इसके बाद हमने इसमें तले हुए आलू ऐड कर दिए थे। अब हमें आलू को जो थोड़ा बहुत कच्चापन है उसे पका लेना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। हमने तेज़ आंच पर ग्रेवी को पकाया है ताकि वो ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो 10 मिनट में तो मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और जो आलू है वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रहे हैं। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आए तो फ़िश को ऐड कर दें इसमें और गैस बंद कर दें, और इसके ऊपर हमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और इसे ढक देना है। हमने इसे ग्रेवी को इसलिए उबाला नहीं है फ़िश के साथ कि जो फ़िश है हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर दी थी। अगर हम ग्रेवी के साथ इसे उबालते तो फ़िश है जो टूट जाती, तो इसलिए हमने गैस बंद करने के बाद ऐड किया है फ़िश को। तो इसी तरह से जो फ़िश करी है वो रेडी हो जाती है। तो इसे आप राइस के साथ सर्व करें तो ज़्यादा बेटर है, राइस के साथ ये ज़्यादा अच्छी लगती है, और आप चाहें तो रोटी से भी खा सकते हैं, पर ये राइस के साथ ही मैं रिकमेंड करूँगा। आप जब भी फ़िश बनाएं तो फ़िश बिल्कुल फ्रेश ख़रीदें, और इस वजह से आपकी जो करी है वो बहुत अच्छी बनेगी, और जब आप इसे ग्रेवी में ऐड करेंगे तो वो टूटेगी भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए फ़िश करी या फ़िश फ्राई बनाएं। और इसके पहले भी हमने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं फ़िश फ्राई की और फ़िश करी की, तो आप उनको भी ज़रूर ट्राई करें। और ये भी थोड़ी डिफरेंट थी इसलिए हमने आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया है, और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो नए देखने वाले हैं वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे आने वाले वीडियोज़ की। तो दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।